हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने संग्रहालय की क्लास अच्छे से पढ़ ली थी। इसके पहले एक क्लास हो चुकी है, जितने भी यूपी के राजकीय संग्रहालय हैं और अन्य संग्रहालय पुस्तकालय हैं, वो सब चीज़ें हमने आपको पढ़ा दी थी कल वाली क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को उत्तर प्रदेश के संस्थान पढ़ने हैं, जितने भी आपके उत्तर प्रदेश के संस्थान हैं प्लस आपकी कला दीर्घाएं हैं या कला गैलरी वगैरह हैं, ये सब चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेडी हैं सभी लोग? अपनी क्लास को आगे बढ़ा जाए, बताइए। और देखिए, क्लास को जैसे ही जुड़ा करिए, क्लास को लाइक कर दिया करिए, ठीक है, और क्लास को सभी तक शेयर कर दिया करिए और सभी को घसीट ले आया करिए। ठीक है, हाँ, चाहे वो सोना हो, बाबू हो, कोई भी हो, सोना बाबू, टोना, जादू टोना, जो भी हैं आपके से, आप सभी को घसीट के लाना है क्लास में और सभी को बोलना है कि चलो हमारी मैम पढ़ा रही हैं, क्लास को लाइक करो और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि मैम ने कैसा पढ़ाया। ठीक है, तो सभी को नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना जरूर है कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, हाँ, चलिए तो फटाफट से अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने क्लास को लाइक कर दिया है। ठीक, चलिए तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के संस्थान पढ़ने हैं। ठीक है, तो फटाफट से आ जाइए क्लास में। और आवाज़ वगैरह तो आ ही रही है, बिल्कुल एकदम टनाटन आ रही है ना? चलिए, अपनी बुलंद आवाज़ है ना, तो वैसी ही आ रही है। चलिए तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे। कल आपको सिलेबस भी बताना था, इस वजह से थोड़ा सा लंबी क्लास हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अपने ही हैं। अगर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जा रहा है तो आपके ही हित में हो रहा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फटाफट से। और हमने कल भी आपको बोला था कि जितना हम पढ़ाएं, या तो आपको कॉपी में लिखना है, अगर कॉपी में नहीं लिख रहे हो, केवल सुन रहे हो, तो कमेंट बॉक्स पे लिखना है। ठीक है, लिखना जरूर है, एक्टिविटी साथ में करती जाना है। ठीक, चलिए तो हेडिंग डालिए फटाफट से, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान हेडिंग बना लो फटाफट। चलो, बन गई अपनी हेडिंग। ठीक, चलिए आप लोग भी बढ़िया सजा सजा के लिख लिया करो। ठीक है, और हाँ, जो लोग कॉपी में लिख रहे हैं, कॉपी में, ठीक है, वो लोग क्या करें, टेलीग्राम पे हमारी पर्सनल, हमें पर्सनल भेज दीजिए, या तो टेलीग्राम ग्रुप है जो हमारा वैष्णवी फ्री एजुकेशन, उसमें भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान को हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहला नंबर आप लोग डाल लीजिए फटाफट से, पहला नंबर डाल लीजिए भातखंडे संगीत संस्थान। भातखंडे संगीत संस्थान, संगीत संस्थान ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। ठीक है, जिसको मालूम हो फटाफट से बताइए कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब होती है, ये बताना है। ठीक है, दूसरा लिख लो, जब तक दूसरा लिखो, राष्ट्रीय कथक संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये बताना है। चलो तो सबसे पहले हम आंसर करेंगे भातखंडे संगीत संस्थान की। इसी को हम भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय भी बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय किसको कहते हैं, तो यही भातखंडे संगीत संस्थान को ही बोलते हैं। इसकी स्थापना कब होती है, 1926 में होती है। ठीक है, ये है कहाँ पर, तो ये लखनऊ में है, लिख लो फटाफट, कहाँ है, लखनऊ में है। क्लियर हुआ? दूसरा है राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका लखनऊ में ही पड़ता है, ये भी कहाँ है, लखनऊ में ही है। ठीक, इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 1988-89 में होती है, 88 या 89 दे दे, आपको याद रखना है। तो दोनों कंप्लीट हो गए आपके, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, तीसरा नंबर डालिए, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है, बताओ जल्दी से, राज्य ललित कला अकादमी ये कहाँ है, बताओ, इसकी स्थापना कब होती है, ये दोनों बताना है आपको।
फिर चौथा लिखिए, भारतेंदु नाटक अकादमी, भारतेंदु नाटक अकादमी ये कहाँ पर है ये बताओ जल्दी से, और कब इसकी स्थापना होती है ये भी दोनों बताने हैं। तो देखिए, राज्य ललित कला अकादमी की बात करें तो ये कहाँ है, ये अपना लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1962 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया है भारतेंदु नाटक अकादमी, ये कहाँ पर है? तो ये भी अपना लखनऊ में ही है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो याद रखना है 1975 में इसकी स्थापना होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स पे बताना जरूर है क्लास कैसी लगी। सभी को लेके आओ, सोना हो, बाबू हो, जादू हो, टोना हो, हीरा हो, मोती हो, कुछ भी हो, सभी को घसीट के लेके आओ क्लास में। बताओ कि वैष्णवी मैम पढ़ा रही हैं, ठीक है। प्यार से नन्हे मुन्ने बाल को पढ़ लो। और हाँ, लाइक करना है क्लास को, नीचे कमेंट में बताना है कि क्लास कैसी लगी, ठीक मेरे नन्हे मुन्ने बालक एंड बालिकाओं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो भारतेंदु कहाँ तक हो गया था? भारतेंदु तक हमने पढ़ा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, संगीत नाटक अकादमी पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं। दोनों बताना है, स्थापना और कहाँ है ये भी। फिर बताइए, लोक कला एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान, जनजातीय संस्कृति संस्थान ये बताना है, ये कहाँ है, इसकी स्थापना कब होती है, ठीक है। दोनों बताना है। देखिए हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, पहले नंबर पे हमने देखा था ये जो दिया है ना, भातखंड, अरे ये जो दिया है भातखंडे संगीत संस्थान, ये दूसरी चीज है। और जो अभी हमने यहाँ पर ये लिखा है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये अलग चीज़ है। दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। और ये है, इसकी स्थापना कब होती है पहले तो ये देख लीजिए, 1963 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 1963 में इसकी स्थापना होती है। चलिए आगे, 1963 में इसकी स्थापना होती है। और ये है कहाँ पर? तो ये लखनऊ में है। कहाँ है ये? लखनऊ में है। आगे, लोक कला एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान, इसकी स्थापना कब होती है? 1966 में होती है। और ये कहाँ है? तो ये भी लखनऊ में है। क्लियर हो गया? बढ़ा जाए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डालिए, नेक्स्ट लिखिए, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, कला एवं शिल्प महाविद्यालय ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ है, इसकी स्थापना कब होती है ये बताना है। फिर आपको बताना है राहुल सांकृत्यायन संस्थान, राहुल सांकृत्यायन संस्थान ये कहाँ है ये बताना है। फिर बताना है भारत कला परिषद कहाँ है, भारत कला परिषद कहाँ है बताइए। चलिए देख लेते हैं, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, इसकी स्थापना 1911 में होती है। और कहाँ पे है ये? तो ये भी लखनऊ में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान कहाँ है? तो ये गोरखपुर में है। कहाँ है ये? गोरखपुर में है, ठीक। तीसरा हमने बताया भारत कला परिषद, तो कल हमने आपको भारत कला भवन बताया था ना आपको, वहीं पर है आपका भारत कला परिषद। तो कहाँ पर है ये? वाराणसी में है। कहाँ है ये? वाराणसी में है, ठीक, याद रखना है वाराणसी में है। आगे बढ़ते हैं,
आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है लोक कला संग्रहालय कहाँ है, बताओ। कल हमने पढ़ाया था ये, लोक कला संग्रहालय कहाँ है ये बताना है। फिर बताओ प्रयाग संगीत समिति, प्रयाग संगीत समिति ये कहाँ है और स्थापना कब होती है, इसमें दोनों बताना, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हरियोद कला केंद्र भवन, हरियोद कला केंद्र भवन ये कहाँ है। फिर बताना है उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है ये बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो लोक कला संग्रहालय तो कल हमने बताया था आपको कहाँ है, लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है। और आगे चलते हैं, फिर दिया है प्रयाग संगीत समिति, इसकी स्थापना 1926 में होती है और यह है कहाँ, तो नाम से ही पता है इलाहाबाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहाँ, इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक है। फिर दिया है हरियोद कला केंद्र भवन, ये कहाँ है, ये आजमगढ़ में है। कहाँ है ये, आजमगढ़ में है, याद रखना है। और फिर दिया है उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, तो ये आपका कहाँ है, ये भी आपका इलाहाबाद में है। कहाँ है ये, इलाहाबाद में है, ठीक, याद रखना है। यहाँ तक हो गया, फिर एक और लास्ट लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र। कल भी हमने ये लिखाया था, लिख लीजिए इधर पे भी, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र। ये कहाँ है, तो ये अयोध्या में है। कहाँ है ये आपका अयोध्या में है, याद रखना है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ से आपके जितने भी ये, एक सेकेंड, ये जितने भी आपके प्रमुख संस्थान थे ना, ये जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान थे वो हमने देख लिए हैं, जो मेन मेन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अब आपको क्या पढ़ाना है वो हम बता दें। ये जितने लिखाए हैं ये आपको लिख लेने हैं अच्छे से, ठीक। चलो अब आपको लिखना है नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो आर्ट गैलरियां हैं वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख आर्ट गैलरी ये आपको लिख लेनी है, ठीक। चलिए तो अब इसको यहां से पढ़ना है हम लोगों को, तो पहले आप लोग लिखिए फटाफट से, एबीसी आर्ट गैलरी कहाँ है, एबीसी आर्ट सॉरी चलिए एबीसी आर्ट गैलरी कहाँ है ये बताना है। फिर बताओ जल्दी से जेके आर्ट गैलरी कहाँ है, जेके आर्ट गैलरी कहाँ है ये बताओ। तीसरा बताना है निराला आर्ट गैलरी कहाँ है, बताओ जल्दी फटाफट, निराला आर्ट गैलरी कहाँ है ये बताना है। पहले इन तीनों को करवा देते हैं, ठीक। चलो तो एबीसी आर्ट गैलरी पता होगा सभी को कहाँ है, ये वाराणसी में है। कहाँ है, वाराणसी में है। जेके आर्ट गैलरी कहाँ है, तो कानपुर में है। तीसरी दी है निराला आर्ट गैलरी, ये कहाँ है, ये इलाहाबाद में है। नोट करिए जल्दी से फटाफट से तीनों आर्ट गैलरियाँ, फिर आगे बताएं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखिए महात्मा गांधी कला वीथिका, महात्मा गांधी कला
वीथिका, ये कहाँ है बताओ जल्दी से। फिर लिखो बताओ, अमृता शेरगिल कला वीथिका कहाँ है? अमृता शेरगिल कला वीथिका ये कहाँ है? फिर नेक्स्ट बताओ, रुचि आर्ट गैलरी कहाँ है? रुचि आर्ट गैलरी कहाँ है ये बताओ, तीनों बताओ फटाफट से। चलो तो पहले दिया है महात्मा गांधी कला वीथिका, ये आपका कहाँ है? इलाहाबाद में है। कहाँ है? इलाहाबाद में है। दूसरा दिया है अमृता शेरगिल कला वीथिका, ये कहाँ है? ये गोरखपुर में है। कहाँ है ये? गोरखपुर विश्वविद्यालय में है, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में। तीसरा लिखा है रुचि आर्ट गैलरी, ये वाराणसी में है। कहाँ है ये? वाराणसी में है। और रुचिका जो है ना वो गोवा में है, ठीक है? तो ये रुचि आर्ट गैलरी कहाँ है? वाराणसी में है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? हल्दार कला वीथिका नहीं लिखाई ना अभी, लिखा दी है अभी, नहीं लिखाई। चलो चलिए लिख लिया है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर लिखिए, हल्दार कला वीथिका, हल्दार कला वीथिका ये कहाँ है ये आपको बताना है, ठीक है? तो ये भी आपको बताना है। तो ये कहाँ तक आपने पढ़ लिया? अच्छा बताओ जल्दी से, कहाँ है हल्दार कला वीथिका? तो ये आपका इलाहाबाद संग्रहालय में है। कहाँ है ये? इलाहाबाद संग्रहालय में है, ठीक? ये आपको याद रखना है। तो आज हमने प्रमुख संस्थान पढ़ लिए हैं, प्रमुख आर्ट गैलरियाँ पढ़ ली हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है? अच्छा ये बताइए जल्दी से, फटाफट से, क्लास कैसी लगी? मज़ा आया कि नहीं आया? फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी दौड़ लगा के, क्लास कैसी लगी? मजा आई कि नहीं आई ये बताइए। सभी लोग बताएंगे मजा आई कि नहीं आई। लास्ट क्लास में हमने राजकीय संग्रहालय पढ़ लिए थे और जितने भी अन्य संग्रहालय हैं वो पढ़ लिए थे, और आज हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान पढ़ लिए हैं, ठीक है? अब हम लोग कल क्या करेंगे? कल हम लोग उत्तर प्रदेश की जो बहुत सारी शैलियाँ हैं ना, कला शैलियाँ जो आपसे मेन मेन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हम आपसे पूछेंगे, मतलब लिखवाएंगे क्वेश्चन, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस लिखवा देंगे उत्तर प्रदेश की विभिन्न कला शैलियों से, वो आप लिख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है? चलिए तो फिर क्लास ऑफ करते हैं, मज़ा आई होगी क्लास में क्योंकि मज़ेदार वाली मैम पढ़ा रही है ना आपको। हाँ चलो, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना ज़रूर है सभी को कि क्लास आपको कैसी लगी। चलिए ऑफ करते हैं अब।